हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल को लेके, और इस दैनिक राशिफल के साथ साथ पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 18 अप्रैल सन 2022 दिन सोमवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना चल रहा है वैशाख का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी द्वितीया यानी के दौज, नक्षत्र रहेगा विशाखा, योग होगा सिद्धि और करण होगा तैतिल, राशि रहेगी तुला, और चंद्रमा आज रात्रि 10:08 पर तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश। अपनी नीच राशि है इनकी ये वृश्चिक राशि, इसमें इनका प्रवेश होगा। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार है, प्रातः 7:40 से लेकर प्रातः 9:15 तक, और इस समय अवधि में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है, शुभ समय अवधि है, वो इस प्रकार से है, 12:02 से लेकर 12:50 तक। तो प्रिय साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और आरंभ करेंगे मेष राशि से यानी एरीज साइन। देखिए साथियों, काम के प्रति जुनून जो है आपका, ये बहुत अच्छी बात है, और यही आपको एनर्जेटिक बनाएगा, और इसी से ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। घरेलू मोर्चों पर कुछ बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और आपकी जो सैलरी है उसमें या तो कुछ बढ़ोतरी की संभावना बनती है, या फिर कोई एक्स्ट्रा कहीं से आपको, एक तरीके से कहा जा सकता है कि धन का लाभ हो सकता है आज के दिन। और अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि जरूर कर लिया करें, ये भी इसकी भी आपको काफी आवश्यकता है। शुभ अंक आपके लिए है आज 7, शुभ रंग आपके लिए है आज सुनहरा, और उपाय आपको करना है, किसी सपेरे को, सांप को दूध पिलाने के लिए आप कुछ अपनी जेब से पैसे उसको दे दीजिए। ये उपाय आपके रोजगार या व्यापार के लिए, उसमें उन्नति दिलाएगा आपको, उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। देखिए साथियों, घरेलू मोर्चों पर बनाई गई बदलाव की कोई भी ऐसी योजना, प्लानिंग, भले ही अभी आपको थोड़ा मुश्किल और कठिन लगती हो, लेकिन बस शुरू करने की देर है। जहां आपने ये शुरुआत की इसकी, फिर आपको खुद ही एहसास होगा कि चीजें आपको काफी आसान लगेंगी, और कार्य आपका ये स्वतः ही सही दिशा में चलेगा, और सब कुछ आसान होता जाएगा धीरे धीरे। और किसी भी प्रतियोगिता के लिए थोड़ा सा अधिक परिश्रम आपको करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन आपका जो ये मिलनसार स्वभाव है, ये सभी को आपकी ओर आकर्षित करता है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है आपके अंदर। उपाय आप करें, काले एवं सफेद तिल बराबर मात्रा में मिला लें, और उनको फिर किसी चितकबरे कपड़े में बांध के अपने पास रखें, यह आपके हेल्थ को फिट रखेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। शुभ अंक आपके लिए बनता है 18, शुभ रंग आपके लिए बनता है आज भूरा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। देखिए साथियों, अगर आप कहीं लोन आदि के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं पाने के लिए, तो आज के दिन आपका कार्य बन सकता है, और जो अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, वे भी आज के दिन का भरपूर आनंद लेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, और पूरा एंजॉय करेंगे अपनी मैरिड लाइफ को। देखिए, जहां तक इस बात का प्रश्न आता है कि भाई किस तरीके से फिजिकली फिट रखा जाए अपने आप को, तो उसके लिए तो फिर कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, वो ही लेने की आवश्यकता रहती है व्यक्ति को। तो यहां पर आप भी कुछ इसी प्रकार की एक्सरसाइज कुछ करें फिजिकली फिट रखने के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। उपाय आप कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी आपकी। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 8, और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज हल्का भूरा।
कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। देखिए आज के दिन आपके घर का जो माहौल है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और उसी के कारण आज आप भी काफी प्रसन्नचित रहेंगे और उसका आनंद लेंगे। घरेलू मोर्चों पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पैसे की तंगी आ जाए, थोड़ी पॉकेट आपकी टाइट रहे, लेकिन यह भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी स्थिति, टेम्परेरी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको यहां पर हम थोड़ा एक सुझाव यह भी देना चाहेंगे कि देखिए जो भी गलतियां हमसे पास्ट में हुआ है, जो गलतियां हमसे जाने अनजाने हो गई, उनसे भी हमें लेसन लेना चाहिए और उनको उनसे सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमसे उन गलतियों का रिपीटेशन ना हो। ये अगर इस प्रकार से विचार करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। उपाय आप करें, सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं अपने मस्तिष्क पे, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। शुभ अंक आपके लिए है 6, शुभ रंग आपके लिए बनता है आज हरा। सिंह राशि यानी लियो साइन। देखिए पेशेवर मोर्चे पर सफलता हासिल करने के लिए आप अपने मकसद पर पूरा तरीके से अपना ध्यान बना करके रखेंगे, पूरा फोकस आपका रहेगा और आर्थिक मोर्चों पर भी आप काफी वेल टू डू रहेंगे और उसी के वजह से कुछ ऐसे आइटम्स भी खरीद सकते हैं जो काफी एक्सपेंसिव हो। आज सामाजिक मोर्चों पर भी सक्रिय रहने की काफी अधिक संभावना बन रही है कि आप सोशली काफी एक्टिव रहेंगे। उपाय आप कर सकते हैं, स्त्रियों का आदर करें, मान सम्मान करें, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं किसी भी तरह से। इतना भी अगर आपने कर लिया आज के दिन तो मान के चलिए कि आपका जो है पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 5 और शुभ रंग आपके लिए है ब्लूइश ग्रीन। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। देखिए सफलता बस अब आपसे कुछ ही दूरी पर है क्योंकि जो आपने प्रयास किए हैं पास्ट में, जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत, बस या तो उसका अब सफलता आपको मिलने जा रही है या अच्छे परिणाम मिलने आरंभ हो भी गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन यहां पर अपने सपनों को फुलफिल करना, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करना के लिए आपको अपने जो घर के बड़े हेड्स हैं, फैमिली हेड्स जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी। हालांकि ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल काम होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको करना है। देखिए प्यार व्यक्त करने में आपकी जो अनिच्छा है, एक चीजें होती हैं जो अंदर से निकल करके आती है, एक होता है आर्टिफिशियली तौर पर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां पर जो आप आर्टिफिशियली तौर पर एक्सप्रेस कर रहे हैं प्यार का इजहार, वो पता लग जाएगा बेशक चाहे आप कितना ही कोशिश कर लें उसको छुपाने की, सामने वाले को उसका एहसास हो जाएगा। लेकिन आपको इस चीज को ऐसा करने से बचना होगा, ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इस तरीके से आर्टिफिशियली अपने मतलब एक्सप्रेस ना करें, इस तरीके का प्यार इजहार ना करें। स्वास्थ्य जहां तक आज के दिन का प्रश्न है, ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, सामान्य रहेगा आपका स्वास्थ्य। उपाय आप करें, तंदूर में मीठी रोटी बनवा करके अपने हाथों से आप कुत्तों को खिलाएं, ये उपाय आपके रोजगार या व्यापार में आपको लाभ देगा, उन्नति देगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 4, शुभ रंग आपके लिए है मजेंटा। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। देखिए किसी करीबी इंसान के साथ आप काफी रोमांस करेंगे, इस बात की अधिक संभावना है कि ऐसा हो सकता है और काफी रोमांस के पल जो है वो बिताएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति भी आप काफी कंसर्न आपका बना रहेगा और अपनी पूरा फोकस आप उस पर रखेंगे, बना करके पूरा कंसंट्रेट करेंगे और ऐसा करने में आप सक्षम भी रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। किसी से प्रभावित होकर स्वास्थ्य के प्रति भी आप काफी जागरूक होंगे, सजग होंगे
और उसके बाद आप व्यायाम आदि भी करना शुरू कर सकते हैं। उपाय कर रहे हैं आप, ये उपाय करना है कि सोते समय एक तांबे के पात्र में जल भरकर रख लें और अगली सुबह घर के आसपास किसी पेड़ की जड़ में उसको डाल दें। ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत के लिए ये एक उपयुक्त उपाय रहेगा। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6, शुभ रंग आपके लिए बनता है आज सफेद। आगे करेंगे बात जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो साइन जिनका है। देखिए आज आपके कार्यस्थल पे, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, जहां पर आप कार्य करते हैं, आज कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा हुआ हो या साथ में कार्य करता हो, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति आज आपके जो आप कार्य करते हैं या कर रहे हैं उन कार्यों में कुछ अड़चनें पैदा कर सकता है, विघ्न पैदा कर सकता है और ऐसा करके आपके कार्यों को एक तरीके से पूरा ना होने में परेशानी पैदा कर सकता है कि समय पर पूरा ना हो पाए और उसी के कारण आपका कार्य पेंडिंग भी रह सकता है या डिले हो सकता है। आपकी कलात्मकता का कोई पारखी भी आज मिल सकता है, जो आपके जो हिडन टैलेंट है आपका, उसका कोई पारखी मिल सकता है जो उसको उस एक तरीके से उसको पसंद करने वाला, उसको अप्रिशिएट करने वाला। और जहां तक शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन का सवाल है छात्रों का, वो मध्यम तरीके से चलेगी, मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी छात्रों को। लेकिन ऐसा भी ध्यान में रखना है छात्रों को कि थोड़ी सी लापरवाही भी आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उपाय करें आप बाहर जाते समय केसर या हल्दी का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाएं, आर्थिक स्थिति के लिए ये बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयुक्त उपाय है। शुभ अंक आपके लिए है आज 8, शुभ रंग आपके लिए है आज लाल। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, देखिए साथियों आपके कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ में कार्य करते हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आज वो आपकी मदद करेंगे और जो आपके ऊपर कार्य का बोझ बना हुआ है उसको काफी हद तक कम करेंगे, जिसके बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे। किसी सौदे को अपने पक्ष में करने के लिए भी आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है वो पूरा लगाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में बसी हुई किसी के प्रति चाहत, उस जिसके लिए आपके मन में चाहत है उसको प्रभावित करने के लिए ये चाहत ना काफी है, काफी नहीं है। और स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा आज के दिन, यानी कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी हेल्थ को देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। उपाय आप कर सकते हैं, दूध एवं दही का सेवन करेंगे तो इससे भी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है 1 और शुभ रंग आपके लिए बनता है हल्का लाल। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, देखिए सबसे पहले छात्रों के विषय में बताना चाहेंगे कि छात्रों को उनकी एजुकेशन से रिलेटेड उनके ही मनमाफिक परिणाम मिलने की काफी संभावना बन रही हुई है आज के दिन, यानी कि जो आप मेहनत करेंगे और जिस अपने हिसाब से मेहनत करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे भी। और सामाजिक मोर्चों पर जो भी आप उचित सलाह देंगे या जो आपसे उचित सलाह लेंगे वे भी आपका सम्मान करेंगे, आपके प्रति उनके मन में सम्मान की भावना पैदा होगी। बिना किसी समस्या के आज के दिन अगर कोई आपसे कुछ पैसा मांगने आता है उधार, तो आप सक्षम होंगे उसको लोन देने में, पैसा उधार देने में। देखिए किसी भी व्यक्ति का कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड काफी आपको प्रभावित कर सकता है, काफी इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं आप। उपाय आप करें, दुर्गा माता जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं जाकर के और गरीबों में बांटें, ऐसा करने से आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। शुभ अंक आपके लिए बनता है 9 आज, शुभ रंग आपके लिए है गुलाबी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, देखिए जो भी पेशा आप करते हैं, चाहे रोजगार में है चाहे व्यापार में, आज के दिन आपका जो है ये जिम्मेदारियों से भरा हुआ दिन रहने वाला है,
और जिम्मेदारियों को ही पूरा करने में आपका समय व्यतीत होगा अधिकतर, और जिम्मेदारियां भी कुछ और अधिक बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन सामाजिक मोर्चे पे कोई भी व्यक्ति आपको फॉलो करने की कोशिश करेगा और आप जिस तरीके से अपने कार्यों को करते हैं उसी तरीके से, उसी कार्यशैली के आधार पर वो भी अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भी हो सकते हैं या व्यक्ति विशेष हो सकता है। परिवार में किसी संपत्ति के मामले को लेकर के भी थोड़ा बहुत विवाद आज के दिन पैदा हो सकता है और किसी की गलत सलाह आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। तो आज ज्यादा किसी से सलाह मशवरा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। उपाय करना है, तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी सुबह पीने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। और शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 2 और शुभ रंग आपके लिए है हल्का गुलाबी। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। तो साथियों, मानसिक तौर पर स्पष्टता और जुनून ये दोनों बनाए रखने का फायदा आपको जरूर मिलेगा। जहां तक शिक्षा का सवाल है छात्रों को, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनी है। और जिन लोगों को किसी से पैसे की मदद की जरूरत थी उनका काम भी आज के दिन पूरा बन सकता है। और घरेलू मोर्चों पर कोई सुखद आश्चर्यजनक या तो समाचार कह सकते हैं या कोई खुशखबरी कह सकते हैं, इस तरीके से मान के चलें कि आपका इंतजार कर रही है आज के दिन। और किसी के साथ प्रेम संबंधों में भी आज के दिन आप पढ़ सकते हैं, उलझ सकते हैं। उपाय आप करें, हल्दी की गांठ, केसर, पीला चंदन, पीले रंग की दाल, इसका अपने खाने में सेवन कर सकते हैं अधिक से अधिक। हेल्थ बेहतर होगी ऐसा करने पर और जो आपका डाइजेशन है वो भी सेट होगा, फिट होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल, दिनांक 18 अप्रैल सन 2022 दिन सोमवार संवत 2079 का। लेकिन अब समय आ गया है कि जब आपको 12 राशियों के जातकों को दैनिक राशिफल की चर्चा करने के बाद आपसे इजाजत लें और अपनी वाणी को भी विराम दें। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।